सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी विभूति प्रियम उर्फ विभाकर कुमार सिंह ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश शर्मा पर तंग कसते हुए कहा कि सुरेश शर्मा एक नंबर के जुमलेबाजी है। उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। विभाकर कुमार ने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जब सुरेश शर्मा विधायक थे उस दौरान एक चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था कि 4 साल में मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी बना देंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वोट मांगने नहीं आएंगे। तो क्या मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी बन गया जो वे जनता के बीच वोट मांगने चले आए? जनता समझदार है, जनता इस जुमलेबाज को सबक सिखा कर रहेगी। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। 2017 में चुनावी सभा के दौरान सुरेश शर्मा ने कहा था 4 साल में स्मार्ट सिटी बना देंगे वरना वोट नहीं मांगने आएंगे। क्या स्मार्ट सिटी बन गया? सुरेश शर्मा वोट मांगने आ रहे हैं? स्मार्ट सिटी तो 4 साल में नहीं बना है, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि वोट मांगने आ गए। उनका विकास जरूर हुआ है, उनका स्मार्टनेस बढ़ा है। अभी जो नया वाला 4 लाइन बन रहा है उस पर उनका एक बहुत भव्य स्कूल बना है। एक तुर्की में 30 एकड़ के प्लॉट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, उनका शोरूम बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, उनका स्मार्टनेस सब बढ़ गया है। जनता का स्मार्टनेस के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। एक उनका वीडियो जो है वो हम दिखाते हैं आपको। शर्म के तरह बोल रहे हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए कि आज 4 साल बीत गया, आज वोट मांगने दर दर भटक रहे हैं, लोगों से मतलब हाथ जोड़ के विनती करेंगे हमको वोट दीजिए, आगे जो बचा हुआ है काम सो करेंगे। आगे तो बचा हुआ है और जो कुछ कॉलेज वगैरह खोलना होगा उनका अपना, और आगे का बहुत बड़ा बड़ा जो शोरूम खोलना होगा, बिजनेस बढ़ाना होगा, वो समय लोग देगा, जनता समय देगी तो उसका विकास होगा। जनता का विकास नहीं होने वाला। और सुरेश शर्मा एकदम विधानसभा में आज तक एक शब्द, मंत्री रहते हुए जब उनसे उनके विभाग का सवाल होता है विधानसभा में तो दूसरे मंत्री बोलते हैं, उनसे बोला नहीं जाता है, बोलने आता ही नहीं है तो बोलेंगे क्या?